हम शुरू करते हैं। एक इधर से फोल्ड करेंगे और एक बार इधर से, फिर एक बार बीच से। टोटल में हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, इस साइड से भी थोड़ा सा, एक साइड से भी ऐसे, के बाद इस साइड से भी बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करेंगे। हमारा सारा फोल्ड अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद हम इसे ऐसे अंदर में शिफ्ट कर देंगे। ऐसे जैसे ये आप देख सकते हैं, ऐसे ये हमें चारों साइड से करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा करने में, लेकिन ये हो जाएगा। ये हमारा ज़्यादा हो गया। ऐसे वैसे हम इस साइड भी फोल्ड कर लेंगे। अब इसे हम ऐसे पलटेंगे, उसके बाद ऐसे फोल्ड करेंगे, इस साइड से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके, उसके बाद इसे हम पलट लेंगे ऐसे, उसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद पलटने के बाद हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इधर साइड से भी। उसके बाद ऐसे फोल्ड करने के बाद उसे हम फिर से ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये फिर ऐसे। उसके बाद इसे हम इसके अंदर ऐसे बनेंगे, इधर साइड, फिर एक बार इधर साइड, फिर उसको इसके अंदर ऐसे, फिर इस साइड को भी इसके अंदर ऐसे। उसके बाद इसके ईयर्स को ऐसे हम करेंगे, फिंगर पर आके थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हम इस पर आइज ड्रॉ करते हैं और इसे हम तो ऐसे प्रेस कर, ऐसे बिल्कुल, अभी बिल्कुल रैबिट जैसा दिख रहा है। और इस पर हम आइज ड्रॉ करेंगे, इस साइड भी, और ये हमारा रैबिट बनके तैयार। इसका ईयर थोड़ा अच्छा सा प्रेस करें। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।